क्या सैमसंग का एक्सिनोस प्रोसेसर क्या 2025 में एक बड़ा कमबैक कर सकता है? वेल, आज इसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि यार एक्सिनोस प्रोसेसर के पीछे सैमसंग क्यों पड़ी है। देखो यार, सैमसंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज जो मोबाइल फोन भी बनाती है, उसके कंपोनेंट्स भी बनाती है, चिप्स भी ओन करती है, यहाँ तक कि फाउंड्रीज भी सैमसंग के पास है। एक जमाने में स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के लिए जो चिप्स होती थी वो भी सैमसंग ही बनाता था। तो यार सैमसंग के लिए सबसे बेस्ट चीज क्या कि एक मोबाइल फोन अगर बना रहे तो उसके अंदर सारी चीजें खुद की डालो, खुद की बनाई हुई डालेंगे तो पूरा कंट्रोल रहेगा, प्राइसिंग भी रहेगी, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बना पाएंगे और बेस्ट चीज रहेगी। इसी चीज पे सैमसंग ने अपने एक्सिनोस प्रोसेसर को जिंदा रखा है। और पास में प्रॉब्लम ये थी कि कई सालों तक एक्सिनोस प्रोसेसर के अंदर हीटिंग होती थी और बैटरी ड्रेन होता था, जिस कारण से मेजोरिटी खास तौर पर जो फ्लैगशिप फोन थे जब वो एक्सिनोस लाए उसको लेके सैमसंग को बहुत तगड़ा क्रिटिसिज्म मिला। और इस चीज को इम्प्रूव करने के लिए एक्सिनोस के अंदर उन्होंने कई बार मेजर चेंजेस करें, जैसे कि AMD के GPU को इंटीग्रेट करना, इस साल AI का प्रॉपर इंटीग्रेशन करना Galaxy S24 S24 Plus में, और इसी के साथ ही Samsung की Qualcomm के साथ भी डील चल रही है जिसके अंदर Snapdragon का जो लेटेस्ट प्रोसेसर होगा उसका एक एडवांस वर्जन ये लोग यूज करेंगे और Snapdragon Elite for Galaxy ये देखने को मिल सकता है अपकमिंग Galaxy S25 में। लेकिन वही बात ही आती है कि Exynos 2500 जैसा एक प्रोसेसर भी है Samsung के पास जिसे उन्होंने अभी तक अनाउंस नहीं किया है और Galaxy S25 में इसका डेब्यू कर सकते हैं। अब बेसिकली सिंपल सी बात है कि S25 S25 प्लस में Exynos आएगा और अल्ट्रा मॉडल के अंदर ये लोग Snapdragon डालेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कहीं Exynos यहां पे पीछे हो जाएगा। इस साल Exynos का जो 2400 आया था वहां पे कई बार इंप्रूवमेंट देखे थे, जहां पे AI फीचर्स के साथ इंप्रूवमेंट थे, ग्राफिक्स की परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट थे और थर्मल एफिशिएंसी में भी इंप्रूवमेंट दिखाया था और तो और बैटरी ड्रेन वाली प्रॉब्लम को भी काफी हद तक रिड्यूस किया था। और इवन सरप्राइजिंग चीज तो है कि कुछ ऐसे सिलेक्टेड बेंचमार्क्स थे जहां पे Exynos 2400 ने Snapdragon 8 Gen 3 को यहाँ पे बीट कर दिया था। खैर वो एक चीज थी, लेकिन 2025 में क्या चल सकता है इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो रिपोर्ट से पता चलता है कि Exynos 2500 को सैमसंग अपनी मल्टी फाउंड्री स्ट्रेटेजी का यूज करके बनाने वाली, यानी कि कुछ चिप्स वो खुद बनाएगी और कुछ चिप्स का फैब्रिकेशन ये लोग TSMC से करवा सकते हैं और ये चिप्स 3nm बेस्ड ही होंगी। इसके साथ ही ये जो 3nm की जो नई चिप्स आएंगी नेक्स्ट जनरेशन डिजाइनिंग पर होंगी और नेक्स्ट जनरेशन के फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज करेंगी। तो पहले जो सैमसंग की फाउंड्रीज में जो प्रॉब्लम थी वो यहाँ पे रिजॉल्व होते हुए हीटिंग की प्रॉब्लम कम से कम होगी, साथ ही साथ यहाँ पे जो बैटरी लाइफ जो आपको देखने को नहीं मिलती थी वहां पर भी जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उसे यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। इसके साथ ही Exynos 2500 सब यहीं तक लिमिटेड नहीं रहेगा, इसके अंदर इम्प्रूवमेंट किया जाएगा AMD के साथ Eclipse GPU उन्होंने डाला था। वेल, ये जो टेक्नोलॉजी थी सैमसंग को इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। हालांकि एक जगह जो स्टक रहे थे इस प्रॉब्लम से वो ये थी कि गेम डेवलपर्स ने इस GPU के हिसाब से ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड गेम्स को नहीं निकाला कुछ गेम्स से। और अब क्या होने वाला है कि ये जो Eclipse GPU की जो टेक्नोलॉजी है ये अक्रॉस द बोर्ड अपने बाकी फोन्स में भी ले जाएंगे। इस साल हमने A सीरीज के अंदर देखी, लेकिन 2025 में शायद M सीरीज F सीरीज के फोन्स में भी देखेंगे और अगर ज्यादातर फोन्स में अगर ये GPU जाएगा तो कई सारे गेम डेवलपर्स इन GPU के हिसाब से अपने गेम्स को ऑप्टिमाइज करेंगे तो बेटर रिजल्ट और बेटर आउटपुट निकलेगा, जिसके अंदर रे ट्रेसिंग हो सकती है, ग्राफिक की परफॉर्मेंस हो सकती है। वो है सैमसंग यहाँ पे ये कोशिश नहीं कर रहा कि यहाँ पे स्नैपड्रैगन को बीट कैसे किया जाए, यहाँ पे ये कोशिश की जा रही है कि कैसे एप्पल सिलिकॉन A18 प्रो आती है उसको हम कैसे बीट करें। ऐसी एस्पिरेशन रखना अच्छी बात है, लेकिन जब तक फोन मार्केट में नहीं आता, हमारे हाथों में नहीं आता, तब तक कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। इसके बाद एक और एडवांसमेंट Exynos के अंदर होने वाला, इस बार सैमसंग वाले AI के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, यानी कि ऑन डिवाइस AIQ एक वन ऑफ द मेजर चीज रहेगी सैमसंग के लिए कि ज्यादातर काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमने गैलेक्सी AI में देखा था वो यहाँ पे मोबाइल फोन के अंदर हो पाए, चाहे इमेज जनरेशन, टेक्स्ट जनरेशन, टेक्स्ट टू स्पीच, कुछ भी हो, वो सारी की सारी चीजें आपकी डिवाइस के अंदर हो पाए। क्योंकि अब 2025 में लोग जो रहेंगे वो ये चाहेंगे कि यार उनके अंदर जो प्रोसेसिंग होती है डेटा की मोबाइल के अंदर हो और कम से कम डेटा मोबाइल फोन से थर्ड पार्टी सर्वर पे जाए। आज भी मेजॉरिटी फोन्स में जो AI आती है वो डिपेंड करती है थर्ड पार्टी सर्वर्स पे, लेकिन अगर मोबाइल फोन ज्यादा अच्छे तरीके से AI कर पाए तो प्राइवेसी के लिए बहुत अच्छी चीज होगी और सैमसंग के लिए वन ऑफ द की फोकस होगा, जहां पे इमेज जनरेशन जैसी चीजें भी आप मोबाइल फोन के अंदर इजीली और फास्ट तरीके से अचीव कर पाओ, तो AI NPU पे तो काम होगा। लेकिन एक बात देखिए कि जो Exynos प्रोसेसर है वो यहाँ पे लिमिट नहीं रहता कि आपका देखने को मिले सिर्फ और सिर्फ फ्लैगशिप्स में, ये प्रोसेसर आपको अक्रॉस द बोर्ड सैमसंग के सभी फोन्स में देखने को मिलता है और कुछ ऐसे सिलेक्टेड फोन्स होते हैं जिनको स्नैपड्रैगन दे देते हैं या MediaTek दे देते हैं। लेकिन इस बार Exynos के साथ एक खास बात रहेगी कि इस बार जो नया 1580 आ रहा है
जो एक ऐसा प्रोसेसर रहेगा जो अपकमिंग ए सीरीज के फोन्स में भी देखने को मिलेगा और एम सीरीज एफ सीरीज में भी जगह बनाएगा। और इसके अंदर एक्लिप्स जीपीयू को भी टारगेट किया गया है, वाईफाई 6 एनहांस्ड है, LPDDR5 रैम का सपोर्ट, UFS 3.1 का सपोर्ट, ब्लूटूथ 5.4 और 200 मेगापिक्सल के कैमरे का सपोर्ट, यानी कि एक डिसेंट और एक अच्छी चिप बनाई है। लेकिन ये प्रोसेसर बजट और मिड रेंज फोन के लिए रहेगा और जो कि 4nm बेस्ड टेक्नोलॉजी पर रहेगा। अब देखने वाली बात है, ये प्रोसेसर जब मोबाइल फोन्स में आता है तो इससे क्या इंपैक्ट पड़ता है सैमसंग की बजट और मिड रेंज वाली सीरीज पर। अगर परफॉर्मेंस अच्छी रही, प्रोडक्ट अगर सही डिलीवर किया तो एक बहुत ही एक एडवांस चीज हो सकती है। इसके साथ ही सैमसंग को एक्सिनोस के पीछे चिपके रहने का एक और रीजन है कि वो लंबे समय तक सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी अपने फोन्स को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अभी हाल ही में गैलेक्सी A16 से देखा था जहां पे 6 ईयर के सॉफ्टवेयर अपडेट थे। अब कई सारे लोग ये कहते हैं कि यार सॉफ्टवेयर अपडेट अगर अभी फोन मिल रहा है, मिड रेंज फोन है या बजट फोन है, तो लंबे समय तक सॉफ्टवेयर अपडेट रहेगा तो क्या फोन हमारा स्लो हो जाएगा? वेल, ऐसा नहीं होने वाला। अगर आप ये बात 5 साल पहले 6 साल पहले करते तो ये बात सच होती, लेकिन अभी ये समय ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि अभी के समय में जो मोबाइल फोन और उनके जो प्रोसेसर होते हैं वो ऑलरेडी इतने फास्ट और एडवांस हो चुके हैं कि अब वो फ्यूचर के हिसाब से बहुत ज्यादा कैपेबल है। और ये बात मैं मिड रेंज प्रोसेसर के साथ कह रहा हूँ। दूसरी चीज ये कि जो एंड्रॉइड के अंदर जो रिक्वायरमेंट होती है कि रिसोर्सेज जितने ज्यादा लेता है उसकी रिक्वायरमेंट उतनी तेजी से नहीं बढ़ी जितनी तेजी से प्रोसेसर एडवांस हुए, यानी कि आने वाले 5 साल बाद भी आज के जो मिड रेंज प्रोसेसर है वो भी वैसे ही परफॉर्म करते रहेंगे जो आज यहाँ पे करते हैं। इसलिए कई सारी कंपनीज लैग फ्री एक्सपीरियंस को गारंटी करती है 4 साल 3 साल के लिए, क्योंकि एंड्रॉइड के अंदर जो रिक्वायरमेंट होती है, सॉफ्टवेयर की जो ऑप्टिमाइजेशन होता है वो काफी इंप्रूव हो चुका है और यहाँ तक कि प्रोसेसर्स में भी इंप्रूवमेंट आ चुका है। आने वाले जमाने में 2nm के प्रोसेसर भी आएंगे, लेकिन वो 2025 में नहीं आने वाले, उसके लिए आपको 2026 का इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ पे TSMC 2nm का ट्रायल प्रोडक्शन तो कर ही रही है, सैमसंग की फाउंड्रीज भी 2nm के पीछे यहाँ पे जा रही है, तो वो भी एक एडवांस चीज होगी। इसके साथ एक और चीज होगी एक्सिनोस प्रोसेसर के साथ कि यहाँ पे सैमसंग डायरेक्टली कम्पीट कर रही है स्नैपड्रैगन और मीडियाटेक के मिडरेंज से, जो लिटरली बहुत अच्छा करें। आज के समय में अगर मैं बात करूँ, फ्लैगशिप में स्नैपड्रैगन सबसे अच्छा काम करता है, उसके बाद एक्सिनोस आता है, फिर मीडियाटेक का नंबर आता है। लेकिन मीडियाटेक ने भी यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया, इस साल D9400 निकाल के स्नैपड्रैगन 8 एलीट ने भी काम किया है और अब सारी चीजें एक्सिनोस के साथ है। और एक्सिनोस 2500 को लेकर सैमसंग शायद इतना कॉन्फिडेंस है कि अपने फोल्ड 7 फ्लिप 7 में भी Exynos 2500 को डाल सकता है, और शायद Exynos 2500 वो एक ड्रीम चिप हो सकती है जिसके बारे में हम कई सालों से बात करें, क्योंकि Samsung ने डिसाइड किया था कि पूरी चिप को स्क्रैच से हम डिजाइन करेंगे। हालांकि अभी भी वो ARM का आर्किटेक्चर यूज कर रहे हैं, लेकिन खुद के आर्किटेक्चर के अंदर भी वो लोग यहां पे काम करेंगे। तो देखने वाली बात है, क्या Exynos के जो प्रोसेसर्स होते हैं क्या 2025 में वो कमबैक लेकर आ पाते जो उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है? क्योंकि इस साल मैं आपको बता सकता हूं Samsung अपने मल्टीपल प्रोसेसर वाले प्रोडक्ट्स निकालेगा। सिर्फ बात मोबाइल फोन्स तक लिमिटेड नहीं है, यहाँ पे स्मार्ट वॉचेस के लिए भी Exynos प्रोसेसर के ऊपर फोकस किया जा रहा है, जो अपकमिंग गैलेक्सी वॉचेस में आएगा, जो VR OS पे यहाँ पे रन करेंगी, वहां पे Samsung इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से खेल सकता है। इसके साथ ही टीवी के अंदर Exynos प्रोसेसर और जितने भी Samsung के डिवाइसेस आते हैं, जो भी AIoT पावर डिवाइसेस है, जो Samsung की bespoke सीरीज है, जहां भी वो AI यूज कर रहे हैं वहां पे वो अपनी बनाई हुई चिप्स को ही यूज करने वाले हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है अगर AI वाली रेस पे खेले या फिर ये लोग अपने प्रोसेसर की एफिशिएंसी को और इंप्रूव करें और सीधे हेड टू हेड एफिशिएंसी और थर्मल मैनेजमेंट में स्नैपड्रैगन से बेटर और डिमेंसिटी से बेटर रिजल्ट्स दें। ये एक गेम चेंजर वाली चीज साबित हो सकती है, क्योंकि अब कहानी परफॉर्मेंस की नहीं है, स्टेबिलिटी की। अगर जो भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, स्टेबल परफॉर्मेंस, स्टेबल थर्मल्स देगा, बैटरी लाइफ स्टेबल देगा, वो ही गेम जीतेगा। ज्यादा नंबर्स दिखा के गेम जीत पाने का जो जमाना होता है ना, मैं बता रहा हूं अभी जा चुका है, अब स्टेबिलिटी की बारी है। देखते हैं Exynos 2025 में क्या कमाल दिखाता है। S25 से इसकी शुरुआत तो यहां पर होने वाली है।